इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रवण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार, श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा, माता श्री सुशीला भाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना भाई बेटीलाल जैन पुत्री एवं दामाद, श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति, पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यशाली किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यशाली शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यशाली मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन पुत्री एवं दामाद, श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर सागर मध्य प्रदेश, शानू सेजल, अंशिका समीक्षा, खुशी लिपि गहना अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स श्रृंगार फैशन अशोकनगर मध्य प्रदेश, पुत्र पुत्र वधु श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या, वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कोलकाता, माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर मध्य प्रदेश। ओम नमः शिवतेभ्यः, ओम नमः शिवतेभ्यः, ओम नमः शिवतेभ्यः, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, बैठा था चारों ओर प्रकृति है, पशु पक्षी अपने अपने आनंद के साथ उस प्रकृति का लाभ ले रहे थे। उसी बीच सामने सामने एक मक्खी आई, एक तो नगर में रहती मक्खी और एक वनों में रहती, तो वह मक्खी आने के आते ही बैठ गई। बैठने के उपरांत कुछ समय निकलने के उपरांत वो पुनः एक तैयारी करती। क्या तैयारी? पुनः उड़ने की तैयारी। तो उस समय हमने देखा कि हलचली हो रही है इसकी, तो
वह बार बार पीछे के पैरों को एक दूसरे के माध्यम से घर्षण से ठीक ठाक कर रही थी। पंखों के ऊपर भी अपने दोनों पैरों को आगे के और पीछे के इस प्रकार वह साफ साफ कर रही थी। सफाई का काम प्रत्येक जीवन में अवश्य होना चाहिए। यदि नहीं हो तो क्या होता है, क्या दशा होती है। आप लोग उपनयन में चश्मा लगाते हैं तो उपयोग कर लिया, बीच बीच में अपनी धोती से या और कोई भी रुमाल से साफ करते हैं और बार बार देखते हैं साफ हुआ है क्या नहीं। तो उसको देखा हमने और इस ढंग से अपने दोनों पैर और दोनों पंखों को इधर उधर के धूल आकर के बैठ जाए तो गड़बड़ न हो जाए। इसी बीच में मान लो कोई गीली पंख हो गई हो तो उसको भी सुखाना पड़ता है। यदि वह पंखों को नहीं सुखाती तो वह उड़ान वायुयान की गति से जाने वाले वह प्राणी है, ध्यान रखना। उसका भी एक गणित निकाल करके कि इस यान की कितनी गति है और इसकी कितनी गति है। उस गति के अंदर भले वो थक जाए जल्दी, ये बात अलग है, लेकिन उनके पंखों में उड़ान भरने की क्षमता वायुयान के अनुसार। जहाँ तक हमारे सोच है कि विज्ञान भी संभव है, इसी के रचना विशेष को देख करके अपने वायुयान का निर्माण किया हो। मतलब विज्ञान के क्षेत्र में आप ही लोग सब कुछ है, ऐसा नहीं है। तब जब क्लीन हो गया, साफ सुथरा हो गया, वो मक्खी उड़ गई, तब सोचता हूँ हमारे लिए भी इस प्रकार का सावधानी रखने के लिए संकेत दिए गए हैं। छह आवश्यक होते हैं, उनमें कमियाँ रह जाती हैं, उनके द्वारा लगे हुए दोषों को दूर करने के लिए भी अपने यहाँ सामायिक चारित्र की व्यवस्था की गई। व्रत पंचक परिपूर्ण कारण मवधान युक्ति ने, पांचों व्रतों में जो कमियाँ आ गई उनको दूर करने के लिए यह व्यवस्था दी गई है कि सामायिक में इस ढंग से भावों को लाएं जिसके द्वारा पांचों व्रतों में जो दोष लगे हुआ साफ साफ हो जाए। प्रतिक्रमण की विधि, पश्चाताप आलोचना गर्हा आदि की विधि, इन्हीं सब बातों को लेकर के साधकों को एक प्रकार से संकेत दिया ताकि जो आपकी दुकान
तो चला रहे हैं उसमें कितना लाभ हो रहा है और कितनी हानि हो रही है, तो लाभ लाभ ही नहीं देखना। लक्ष्मी की वो तो देखते हैं, लेकिन शुभ की ओर भी देखना चाहिए। दीवार के ऊपर लिखे हुए रहते हैं प्राय करके आए, हाँ ये महाराष्ट्र में परंपरा चलती है, कहीं कहीं पर अन्यत्र थोड़ा थोड़ा है। तो वह सरस्वती के माध्यम से भी बुद्धि को साफ साफ कर लेना चाहिए, लक्ष्मी के माध्यम से भंडार को ठीक ठाक कर रहे हैं। आप तो एक वर्ष में एक ही बार वही और खाता नहीं समझे, वही और खाता हो गया कब, जब मुनाफे के स्थान पर हानि की बात आती है तब पसीना पसीना छूटता है। यह साफ करने की विधि बाहर से कोई भी आकर के चिपके नहीं, श्रावकों को भी चाहिए, श्रवणों को भी चाहिए कि हमारे व्रतों में दोष यदि लग सकते हैं तो इस पांच प्रकार से पापों के संपर्क से होता है, इसको दूर करने के लिए वे सारे के सारे ये साधन बनाए रखते हैं। किंतु आज यह हर क्षेत्र में लागू है, इसको हम भूल जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में ये ऐसे हम अध्ययन करने से नहीं, यूं आसानी से ही हमारे सामने ये बातें आती रहती हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आज वह बिल्कुल गायब हो चुका है। आज सेठ साहूकार भी अपने काम जो परंपरा से थी, खेती बाड़ी भी थी, उद्योग भी था, लेन देन भी था, आदि आदि सब कुछ था, लेकिन शिक्षा को उन्होंने भी माध्यम बना लिया और बड़े बड़े नेता लोग भी हर प्रकार के विद्यालय खोलते चले जा रहे हैं। कौन से शिक्षा कम साइंस ज्यादा, हाँ शिक्षा कम विज्ञान ज्यादा। विज्ञान कहने से वीतलाग विज्ञान को तो कोई याद ही नहीं करता, जबकि उसके साथ भी विज्ञान शब्द लगा हुआ है। कृषि विज्ञान कहलाता है, यह भी आज इसलिए रखते हैं ताकि टैक्स देना न पड़े, ऐसे किसान लोग भी करने लगे। अच्छे अच्छे नेताओं के पास ही सभी प्रकार के विज्ञान के विद्यालय खुल गए। शिक्षा के नाम से भाषा है, राष्ट्रभाषा है, आरोग्य की बात है, आदि आदि यदि है भी उसके पीछे भी केवल अर्थकारी विद्या आ गई है। गरीबों के बस की बात ही नहीं, तो उसके लिए कैसा किया जाए, तो सरकार कहते हैं हम आपको लोन देंगे,
नमक नहीं खाना और लोन अवश्य ले लेना, सलूना होना चाहिए, अलूना नहीं। यदि है भी अष्टमी और चतुर्दशी दिन पर्याप्त है। ये क्या आ गई, ये आ गया। चिकित्सा के लिए यदि कहते हैं, कहते हुए हमें भी बुरा लगता है, लेकिन चूंकि आप सुनने के लिए आए हैं, रविवार पर्याप्त है। तो ठीक है, ये आए हैं तो हम भी जा करके बैठ जाते हैं, देख ले मैं आ गया। तो प्रत्येक विद्यालय का यही, यहाँ तक कि हमारे पास आ गए ग्राहक, महाराज आप भी विद्यालय खोलते हैं, हम लागत खर्च से आपको यह विद्यालय देना चाहते हैं। हमने कहा आपने परिश्रम करके विद्यालय खड़ा किया है, ऐसे क्या महाराज, अब क्या बंद होने की ऐसे तीन चार भैया विद्यालय की बात आप कर रहे थे, किंतु यहाँ पर महाविद्यालय चल रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है हायर, हाई लेवल पर वो चल रहा है। नहीं नहीं बहुत अच्छा रहेगा महाराज, देखो ये कोट बनाया अपने, ठीक है, जो बोना व्यक्ति है उसको कोट लेना है, लेकिन आप है हाइट के लिए ज्यादा, वह उसको कोट पहना दो तो वह कोट में ही डूब जाएगा, आप तो डूबने को है ही, तो वह इसके योग्य नहीं है। हमने कहा कि भैया इसमें शिक्षा ही नहीं, केवल इंजीनियरिंग है, केवल चिकित्सा संबंधी विज्ञान है, केवल प्रबंधन है और कुछ नहीं, ये शिक्षा के नाम से केवल पैसा पैसा। और एक डॉक्टर आकर के कहता है कि महाराज मैं इसको जैसे महाविद्यालय बंद होने को है उसी प्रकार मैं अपने जो सीखा था उसको बंद करना चाहता हूँ। बंद क्या बात है बताओ, वो MBBS भी था और MD भी था, स्पेशलिस्ट के योग्य भी था, किंतु आज वर्तमान की नीति ने स्पष्ट ही कर दिया कि महाराज ऊपर से लेकर के नीचे तक कमीशन कमीशन कम इन कमीशन। आइए आइए आपको कमीशन मिलेगा, आपको देना होगा। जैसे जीवन पर्यंत के लिए आज औषध पद्धति गोलियां चलती है, आप लोगों के तरफ से शिकायत आ जाती है महाराज एक आशीर्वाद दे दो, बहुत परेशान हूँ बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशानी होते, क्या करें, विश्वास करके हमने एक से दवाई लेना प्रारंभ कर दिया, अब जो है कम से कम भी 10-15 वर्ष हो गए, वो दवाइयों की मात्रा गोलियां बढ़ती जा रही है, ये दवाई भर छूट जाए और वह रोग के बारे में नहीं कह रहा, दवाइयों के बारे में छूट जाए,
परेशान हो गया। चिकित्सा और परेशानी, रोग और अध्यात्म, ऐसा योग जिसको बोलते नहीं, जीवन में नहीं मिल पाएगा। इन सब बातों को लेकर के कुछ लोग वहाँ उस पेशे को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, और वो भी आ गए कई अपने अपने जो परंपरा से पिताजी काम करते थे उन्हीं कामों को करके पिताजी भी प्रसन्न, और वह उससे चौगुना प्रसन्न वह लड़का। समय पर जा करके शुद्ध भोजन करता है और पिताजी के साथ वह पूजन भी करता, भगवान से कहता है भगवान आपने बड़ी कृपा कर दी और हमें बुला लिया आपने। यह हकीकत है, गलत नहीं कह रहा हूं। इसी प्रकार आज जो कोई भी उद्योग है, बड़े बड़े महाविद्यालय बन रहे हैं लेकिन वहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ चल रही। इसके अलावा और दूसरा हम बताना चाहते हैं, आप बुरा न मानियो, क्योंकि आज विद्यालय में विद्या अध्ययन कम, किंतु कोचिंग सेंटर जिसको बोलते हैं, महाविद्यालय के लिए महान योग्य स्थान का भी निर्माण किया गया है। और इन दोनों का सबका संबंध रहता है। उस कोचिंग सेंटर में जो कुछ भी मिलता है वह विद्यालय में नहीं मिलता है, और विद्यालय में जो पाठ्यक्रम है वह वहाँ पर नहीं होता। अब कैसा वो वहाँ का लेना अनिवार्य हो गया बच्चे को, माता पिता ये कहते हैं कि आपने को इधर जाना ही है। वह दिन भर इसमें रहता, विद्यालय में जाए वहाँ पर काम होता नहीं है, और सेंटर में जाए तो सुनो ऐसे बने हैं, बताते हैं पहले जब विद्यालय होते थे 30 या 40 बहुत हो गए विद्यार्थी उसको संभालते थे, शिक्षक शिक्षिकाएं, और अच्छे ढंग से प्रत्येक की बात सुनते थे और उनको बताते थे और भी कह देते थे और आवश्यक हो जाए तो कल भी आ जाना हम बता देंगे। किंतु आज कुछ नहीं, कम हियर कम हियर, सुनते ही जाओ, कम ये क्या है, 200 300 एक कक्षा, उसको हम कक्षा नहीं कह सकते हैं, किंतु सिनेमा हॉल जो छवि ग्रह होता है ऐसे बच्चे बैठे रहते हैं और ये सुनाते रहते हैं। क्या सुना रहे हैं वो शिक्षक तो निष्णात है उसमें, किंतु आपको सुनने में आ रहा है क्या? नहीं, आवाज तो आ रही है, समझ में क्या, लेकिन जाना आवश्यक है। वो भर दी गई जो पैसा खर्च विद्यालय का होता उससे कई गुना उससे हो रहा, और वह विद्यार्थी आता महाराज किसी भी प्रकार से पिताजी समझ ले हमारी क्या दशा है, वह हरना नहीं चाहता। सुन रहे हैं और आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन फिर भी क्या उपरीत बाधा है आपको समझ में नहीं आता। ऊपरी वादा का अर्थ भगवान का नहीं, भूतपूर्व अभूतपूर्व हाँ वादा है, समझ में नहीं आया।
आत्महत्या की संख्या हमने सुना, एक नगर में एक वर्ष के भीतर 35 से 40 संख्या तक, इस प्रकार आप ही लोगों ने सुनाया, आत्महत्या हो रही है। भोजन की व्यवस्था नहीं, सोने के लिए कोई उस समय नहीं, और धीरे धीरे मंदाग्नि के शिकार विद्यार्थी होते जा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, यह हम कुछ समझ में नहीं आता। और नौकरी मिलने के उपरांत भी बच्चे आकर कहते हैं, महाराज ऐसे कोई भी उपाय बताओ जिसके द्वारा हमारे घर में जैसा चल रहा था उसी प्रकार मैं अपनी पत्नी को भी लेकर के आया हूँ, बच्चे भी दोनों, उनको मैं पढ़ाना नहीं पढ़ाने का संकल्प लेकर के आपसे यहाँ बुलाऊंगा। हाँ, आगे नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे कई इंजीनियर पढ़ने वाले सब छोड़ करके आ रहे हैं। निरुपयोगी विद्या शिक्षा इसी को बोलते हैं। विदेशी शिक्षा कागज के फूल पे भ्रमर बैठा है। आपके तालियां मुझे अच्छी नहीं लग रही। ये भी प्रशिक्षण आपको किसने दिया पता नहीं, और बहुत अच्छे ढंग से आप बोलते हैं आप लोग, अनुमोदना। मैं तो उसका अनुमोदन नहीं करना चाहता, आपको भले ही बुरा लग जाए। क्या हाल है शिक्षा का? इसी प्रकार चिकित्सा की बात हो रही, वात पित्त कफ के बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं, नाड़ी परीक्षा कुछ होती नहीं, कहते तो हैं, उंगलियां तो रख देते हैं, देख करके हमें भी आ गया, भीतर का क्या ख्याल है ये कुछ पता नहीं है, निदान ही नहीं। निदान के लिए केवल बड़े बड़े यंत्र है लगे हुए हैं, उसके माध्यम से दवाइयाँ आ जाती हैं बाद में, या रोग पहले आ जाता है, दवाइयाँ फिर तैयारी होने लग जाती है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। किसी के पास अनिवार्य रूप से कोई भी उनको ये नियम नहीं दिया जा रहा है कि हाँ हम इसको ठीक कर देंगे। धीरे धीरे डॉक्टर लोग भी प्रयत्न हम करेंगे, बाकी आप फोटो दे सकते, ये क्या है, मतलब अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग भी हाथ खड़े कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के शिक्षा के बारे में आप लोगों को अवश्य समझना चाहिए, और चिकित्सा के बारे में भी आयुर्वेद को आप यदि ऊपर उठाना चाहते हो, आपके लिए हम अवश्य अनेक वैद्यों को, अनेक निष्णातों को और अनेक इसकी प्रतीक्षा में रत है, ऐसा कोई उपयोग हो संभव है, कई विशेष वैद्य हमारे पास आ रहे हैं जो विदेश में भी जाकर के इस आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और ऑनलाइन में यहाँ पर भी कोई चाहेगा कुछ दिनों के उपरांत वह शिक्षा, वह संकेत
वह प्रणाली आपको यहाँ पर भी मिल सकती है। ऐसे वैद्यों के सामने कहा गया है, उन लोगों ने लगभग 90% हाँ के रूप में उत्तर दिया है। और बच्चों को इस ढंग से जो इस ओर रुचि रखते हैं, कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, वो सब व्यवस्थित करने के लिए तैयार है कि इधर गुजरात में भी है ऐसे वैद्य, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, महाराष्ट्र में भी है, यहीं के लोग अपने सोलापुर इत्यादि, कोल्हापुर इत्यादि से विदेश में भी गए हैं। पूना भी इसके लिए बहुत केंद्र की भांति काम आज भी कर रहा है। और आप लोग विश्वास के साथ समझ लो, ये बीच में जो कोरोना आया है, ये बहुत अच्छा संकेत लेकर के आया था और गया है, और भारत के माध्यम से ही उसके लिए सफलता मिली है। सारे डॉक्टरों ने भी इसको स्वीकार किया है और इस दिशा में अवश्य ही उन लोगों का पुरुषार्थ चालू हो गया है। और ऐसे भी विद्यार्थी हमारे पास आ रहे हैं इन सफलताओं को सेक करके कि हम जो नीट की परीक्षा रखी गई है, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में उसकी अनिवार्यता होती है, तो किंतु जिस नंबर के माध्यम से अथवा अंकों के माध्यम से वहाँ पर MBBS MD आदि करने की योग्यता हासिल की जाती थी, वो सारे सारे बच्चे तो नहीं है, लेकिन नमूने के रूप में तीन तीन चार चार सौ बच्चे ऐसे भी आए हैं, नंबर बहुत ही योग्य लेकर के आए, किंतु पूर्णायु में वह अध्ययन करना चाहते हैं। वो ऐसे वैद्य जो विदेश से आएंगे, संभव है नवंबर में उन्होंने यहीं पर आए थे, और हाँ अच्छा 24 नवंबर तारीख को रखा है उन्होंने अपने सुविधा के अनुसार। अभी यहाँ से पूना गए हैं, वहाँ पर भी यही काम करते हैं। उनके पास समय नहीं मिलता, विदेशी डॉक्टर भी नाड़ी परीक्षा क्या है इसके बारे में रात दिन पुरुषार्थ रत है। इसलिए पैसे के लोभ को छोड़ दो, और एक प्रकार से ऐसे विद्याएं जिनके माध्यम से अपना जीवन कभी भी बनने वाला नहीं है, उसको देखना भी नहीं चाहिए, और बच्चों को भी उसी प्रकार का शिक्षण देना चाहिए। कठु वचन भले ही है, लेकिन ये ध्यान रखा, कोरोना जो है कटु से कटुतर क्या है, वो काढ़ा जिसका बनता है, चिराए तो नहीं, उसका नाम दूसरा है, गुड़वेल, गुड़विल नहीं, हाँ गुड़वेल है, अमृता भी इसको कहते हैं। और उसके माध्यम से अच्छे अच्छे मिनिस्टर लोग भी उसी को लेते थे और उसी का प्रचार प्रसार वो करते भी थे, ऐसा सुना है। तो ऐसे ही आप लोग, ये तो काढ़ा है, एक काढ़ा तो है पक्का है, गोलियां तो नहीं है, लेकिन गोलियों के खाने से दो विश्लेष निकल सकते हैं। गोलियां कहाँ, छाती से भी लग गया, गुड़वेल उसके ऊपर भी काम करता है। तो गुड़वेल के माध्यम से एक प्रकार से वो गोलियां काम कर गई, और सभी के रोग जो शिकायत थी वो पूर्ण हो गई है। ये ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति गुड़वेल ले ले, काढ़ा ले ले, और
नहीं बचा तो यह ऐसा नहीं हुआ, ऐसा यह परिणाम सुनने को मिला है। प्रशंसा नहीं किंतु गुणानुवाद तो होना ही चाहिए। अहिंसा परम, हाँ कटु प्रयोग ये उसे रुचता जिसे आरोग्य पाना होता है। हाँ हाय खुए है अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रवण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार, श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा, माता श्री सुशीला भाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना भाई बेटीलाल जैन पुत्री एवं दामाद, श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति, पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यशाली किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यशाली शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यशाली मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन पुत्री एवं दामाद, श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन अशोकनगर मध्य प्रदेश, पुत्र पुत्र वधु श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या, वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कोलकाता, माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर मध्य प्रदेश,